आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर जबेरा मध्य प्रदेश से। केडी जैन ब्लॉक न्यूरोचीफ एवं रुपसिंह योथी कैमरामैन के साथ। दमोह जिला अस्पताल के प्रथम दानदाता श्री रघुवर प्रसाद रतन चंद जैन की स्मृति में पिछले 6 वर्षों से अस्पताल गेट पर जल सेवा का संचालन किया जा रहा है। वही कोरोना काल में पिछले 2 साल से संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान अम्बेडकर प्रतिमा के पीछे ग्रीष्म काल में ठंडे पानी के प्याव का संचालन किया जा रहा था। इस साल 19 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू प्रारंभ होते ही करीब 2 दर्जन ठंडे पानी के लिए घड़े रखवा कर शीतल जल सेवा प्रारंभ की गई थी। वैशाख एवं जेठ मास में लगातार जारी रही इस जल सेवा के दौरान मूक पशुओं एवं पक्षियों के लिए भी पानी का इंतजाम किया गया था। जल सेवा संचालक पत्रकार राजेंद्र अटल ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू खत्म हो जाने तथा अब बाजार खुलने लगने एवं ग्रीष्म काल खत्म हो जाने से अब जल सेवा की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। इस वजह से 19 जून को जल सेवा का विधिवत समापन कर दिया गया, जबकि अस्पताल गेट पर स्थापित टंकियों के जरिए यह जल सेवा वर्ष बाद निरंतर जारी रहेगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जारी रही इस जल सेवा में सहयोग के लिए मनोज देवलिया, तनुज पराशर, निजाम खान, अभिषेक जैन, ऋषि तिवारी, अभिजीत जैन, अभिषेक ठाकुर, आयुष जैन आदि का खास योगदान रहा।